नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल टर्बन वेकर में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरे इस चैनल में मैं आपको साफा बांधना सिखाता हूँ। लेकिन कई लोगों के कमेंट आए कि साफे के अलावा भी आप क्या सिखाते हैं, तो मैंने स्टार्ट किया कि टाई बांधना जैसे मेरे को आता है, शेरवानी कैसे सेट की जाती है, तलवार पर रुमाल कैसे लगाया जाता है जो शादी में अक्सर दूल्हे के हाथों में होती है। तो मैंने अब सोचा कि आपको रोज़ नया नया कुछ सिखाऊं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको टाई बांधने की सबसे सिंपल विधि सिखाऊंगा। मैंने कई विधियां देखी, लेकिन इससे सिंपल विधि आप कहीं नहीं ढूंढ सकते हैं। तो जैसा कि आप देखते हैं, ये टाई है। टाई का एक छोर बड़ा होता है, ये दिख रहा है इस तरह से, और एक छोटा होता है। आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये कॉलर को ऊपर किया, एक छोटा पोर्शन है जैसे ये है छोटा भाई, ये बड़ा भाई, तो बड़ा बड़ा होता है, तो बड़े को इस तरह ऊपर रख ले, फिर यहाँ से इस तरह पकड़ लिया। सिंपल प्रोसीजर है, इसको वापस अंदर से लेके आपको क्या करना है, ये इधर इस तरह, मतलब गठजोड़ छोटे भाई के साथ। फिर क्या करना है, अब साफ इधर का जो पोर्शन है, अब क्या करना है, ये छोटा वाला है, छोटे वाले के इधर से भी आपको ये इस तरह ये कर दिया, ये बन गए लंगोट, दोनों भाइयों की लंगोटी जो लंगोटिया यार, ये आपको बनाना है। दो प्रोसीजर हो गए, एक बार आपने इधर से ले लिया, एक बार इधर से ले लिया, दो हो गया। अब तीसरा सबसे सिंपल तरीका जिससे आप इसकी नोक सेट करते हैं, क्या करना है आपको, ये जो पोर्शन अब देखिए, ये इस तरह नोक के इधर से आपको इधर लाना है, ये लाया, फेस को अंदर डालना है, ये लाए, यहाँ भूल जाते हो आप, डायरेक्ट नीचे नहीं डालना इसको, क्या करना है, जो नोक है इसके, ये यहाँ से इसके अंदर से आपको उसको ये इस तरह निकालना, इस तरह आपको ये निकालना, ये देखिए ये नोक आपकी तैयार हो गई। अब क्या करना, बस छोटे वाले पोर्शन को नीचे खींचिए, बड़े वाले को ऊपर, और ये आपकी कॉलर को इस तरह ढक दीजिए। इस तरह आप ये टाई बांधने की सबसे सिंपल विधि सीख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए नए वीडियो वो आप तक पहुंच सके, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी मेरा नया वीडियो होगा वो आपके डिस्क्रिप्शन लिंक में आ जाएगा, आपके बेल आइकन या ऊपर जो लिखा होता है डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा, ताकि आप मेरे नए वीडियो को देख सकें। जय हिंद।